काफी दिनों से हमें आईफोन्स के ऊपर कोई अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा था, सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में हमें थोड़े बहुत ऑफर देखने को मिल रहे थे। पर इस मंथ हमें फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल देखने को मिलेगी, जिसमें एप्पल के आईफोन्स के ऊपर हमें काफी अच्छा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, जो लोग सेल का वेट कर रहे थे। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस आईफोन के ऊपर आपको लगभग कितना प्राइस ड्रॉप मिलने वाला है और कब से सेल शुरू होने वाली है और किस तरह के ऑफर रहने वाले हैं, कौन सा आपको एटीएम कार्ड अरेंज करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। सो हाय गाइस, मैं नाम विनय और आप देख रहे हो टेक ऑन ट्रेंड यूट्यूब चैनल। तो इस सेल का नाम है बिग सेविंग डेज और फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी और 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये सेल रहेगी और जो लोग प्लस मेंबरशिप लेंगे उनको एक दिन पहले इसका एक्सेस मिल जाएगा, मतलब 11 तारीख से आपको ऑफर मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अप टू 10% तक का आप ऑफ ले सकते हो और साथ में नो कॉस्ट EMI वगैरह के ऑफर भी मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास HDFC का कार्ड भी है तो भी आपको एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफर की बात करें तो जो नया वाला iPhone SE 3 हमारा थर्ड जनरेशन वाला है उसके ऊपर आपको अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा। तो अभी जो करंटली प्राइस चला हुआ वो चला हुआ 43,900 पर, सेल के दौरान यहाँ पर आपको काफी अच्छे ऑफर मिलेंगे। और आपको बता देता हूँ, जैसे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट के ऊपर, ये पहली बार बिक रहा था, तो उस टाइम ये स्मार्टफोन 32,000 का भी बिका है। बस थोड़ी देर के लिए ये सेल चली थी और काफी लोगों ने इसका फायदा भी उठाया था। तो यहाँ पर हो सकता है इस सेल में भी जैसे ये सेल शुरू होते तो थोड़ी देर के लिए आपको डायरेक्ट कम प्राइस में ये स्मार्टफोन देखने को मिले। तो अगर आप इस आईफोन को लेने की सोच रहे हो तो सेल शुरू होते ध्यान रखना। और ऑफर्स भी आपको बता देता हूँ, एक तो आपके पास अगर HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको इंस्टेंट 2000 का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर भी काफी अच्छा है, अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है अप टू 60,000 आप उसकी कैश वैल्यू ले सकते हो। और इसके ऊपर भी हमें स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा 3000 का, तो जो भी आपके स्मार्टफोन की कीमत पड़ेगी उसके ऊपर आपको 3000 और मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मुझे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का 8700 मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे 3000 और मिलेंगे, तो 11700 का एक्सचेंज पर मुझे उसकी वैल्यू पड़ रही है। और इसके साथ में 6 मंथ की गाना ऐप की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगी और इसके अलावा बायजूस क्लासेस की 3 क्लास पैक आपको फ्री मिलेगा। तो लगभग आप इस स्मार्टफोन को 30,000 के आसपास क्लेम कर सकते हो ऑफर वगैरह लगा के। यहाँ पर अगले स्मार्टफोन की बात करें, ये मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, आईफोन 13 के ऊपर आपको काफी अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा और जो नया वाला ग्रीन कलर है उसके ऊपर भी आपको ऑफर देखने को मिलेगा। ऐसे तो नया स्मार्टफोन 79,900 का है, 80,000 का, पर अब आपको ऑफर बताता हूँ किस तरह के आपको ऑफर मिलेंगे। यहाँ पर 6% का आपको फ्लिपकार्ट का अपना ऑफर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको 74,900 का स्मार्टफोन पड़ेगा। पर इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑफर है, अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आप इंस्टेंट 5000 का कैशबैक ले सकते हो और यहाँ पर आपको 6 मंथ की गाना प्लस ऐप की सब्सक्रिप्शन मिलेगी और साथ में बायजूस की क्लासेस भी। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ये वाला आईफोन बहुत ही अच्छा है। तो सारे ऑफर वगैरह लगा के लास्ट प्राइस आपको 69,900 का आपको ये आईफोन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लगभग आपको 10,000 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। अगर आप इसे इस टाइम लेते हो तो 4-5 साल तक आराम से चलेगा और इसके ऊपर भी आपको सेम एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आईफोन 12 की बात करें तो आईफोन 12 पर भी आपको ऑफर देखने को मिलेंगे और बाकी आईफोन्स के ऊपर भी आपको सेम ही ऑफर देखने को मिलेंगे। जो कार्ड ऑफर है और जो एक्सचेंज ऑफर है वो आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो लोएस्ट प्राइस आपको बता देता हूँ लगभग आपको कितने का पड़ेगा ये, तो आईफोन 12 आपको 53,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा इस सेल में। और यहाँ पर iPhone SE सेकंड जनरेशन के ऊपर भी आपको ऑफर देखने को मिलेगा, पर मैं पर्सनली आपको उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, अगर कम प्राइस भी जाएगा तो 25,000 तक की जाएगा, तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और यहाँ पर iPhone XR की बात करें तो वो आपको 40,000 के आसपास मिल सकता है, वो भी मैं आपको फिलहाल रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसकी जगह आप iPhone 12 mini लो तो वो थोड़ा बेटर ऑप्शन रहेगी। तो iPhone 12 mini यहाँ पर आपको इस सेल में 45,000 के आसपास मिल जाएगा, 45 से लेकर 47,000 के बीच में। तो iPhone 12 mini एक अच्छी ऑप्शन है, ये भी आप ले सकते हो, बस इसकी डिस्प्ले को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो, डाटा कंज्यूम ज्यादा करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना ओवरऑल ये स्मार्टफोन भी काफी अच्छा है अगर आपको कैमरा और परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो। फिर गाइस ये है कुछ ऑफर जो कि आपको इस सेल में फ्लिपकार्ट के ऊपर आईफोन्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन है तो कमेंट करके बता सकते हो आपके पास कौन सा आईफोन है, और वीडियो मेरे हिसाब से आप इसलिए देख रहे होंगे कि कितना प्राइस ड्रॉप होने वाला है। और जो लोग नया आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो बताओ यार कमेंट करके कि कौन सा आप परचेज करने वाले इस सेल में। और बाकी बहुत बड़े ऑफर वाली सेल तो आपको पता ही है, अभी काफी टाइम है, बिग बिलियन सेल्स वगैरह चलेंगी तब जाके आपको अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे, पर फिलहाल इस तरह के ऑफर आपको इस सेल में देखने को मिलेंगे। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर भी वीडियो बनाएं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं बता आपको सर किसी और वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।